गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, RCRT, जयपुर. नाउ कंटेंट इज सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, डायग्राम एंड रिएक्शंस. फर्स्ट वी विल डिस्कस टुडे सीमेंट. What is cement? Cement is any substance which acts a binding agent for material is called cement. Cement is inorganic material having hydraulic property. When mixed with water, a cementation reaction between with water and mineral in the cement provide a strong matrix that hold the aggregate. The gravels, sand, crushed stones in place and provide good compressive strength to the concrete. Cement is essential material in concrete which used for construction, building, bridge, highway, dam, runway, for aircraft, etc. Dear student, cement is a binding agent जो कि जोड़ने का काम करता है. उसकी hydraulic property होती है, inorganic substance होता है, adhesive और cohesive property को capable होता है और brick stone buildings बनाने के लिए काम में, जोड़ने के काम में आता है. Next, types of cement. The cement generally used in engineering construction work can be divided into four main types. First, natural cement. Second is pozzolana cement, slag cement and Portland cement. Natural cement, which is the obtained by the calcination of nature limestone containing 20-40%. It is hydraulic in nature, it is used mortar. Next is pozzolana cement, it is the volcanic eruption. Next is slag cement, it is obtained by the blast furnace. And Portland cement is ordinary commercial construction purpose cement mixed with water which is setting and hardening become a hard mass of resembling in color and hardness of Portland cement, hence named Portland cement. Calcination iron, alumina, silica, limestone ke mixture se banti hai. Next bachcho aata hai composition of cement. Composition of cement ki agar hum baat karte hain तो कंपोनेंट के अंदर हमें चाहिए लाइम, जिसको सी से अप्रूवल करते हैं, 60-69% होता है. मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है प्रॉपर, मस्ट बी प्रॉपरली रेगुलेटेड इन एक्सेस. इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ द सीमेंट बिकॉज इट मेक ए सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट. नेक्स्ट इज सिलिका, 17-25% प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम. नेक्स्ट इज एल्यूमिना, 3-8%, आयरन 2-4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1-5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1-3% एंड अल्काली ऑक्साइड 0.3-1.5. इफ प्रेजेंट इज एक्सेस कॉजेज द सीमेंट अफोर्समेंट. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर द रॉ मटेरियल. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, these raw material are required. First is calcareous material. Calcareous material, the source, main source of lime. The following kinds of calcareous material used to provide the lime are limestone, 65-80% of calcium carbonate, chalk, shale, calcite. यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का रॉ मटेरियल चाहिए जिसमें कैलकेरियस मटेरियल होता है. कैलकेरियस मटेरियल के द्वारा सबसे बड़ा सोर्स होता है लाइम का, जो कि लाइमस्टोन के द्वारा 65-80% हमें मिलता है. नेक्स्ट होता है अर्जिलिशियस मटेरियल. दीज आर मेन सोर्स ऑफ द सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ये मेन सोर्स होता है सिलिका और एल्यूमिनियम का, और ये हमें मिलता है क्ले, सैंड, मॉल, स्लेट और ब्लास्ट फर्नेस से हमें यहाँ पे मिलता है. थर्ड हमें जिप्सम चाहिए, कैल्शियम सल्फेट, और फोर्थ हमें पाउडर ऑफ कोल या फ्यूल चाहिए. नेक्स्ट आता है रोटरी किलन प्रोसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बाय रोटरी किलन मेथड इन्वॉल्व द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ मिक्सिंग,
नेक्स्ट बर्निंग, थर्ड ग्राइंडिंग और फोर्थ पैकिंग। मिक्सिंग की बात करते हैं। द मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज कैरी आउट आइदर द ड्राई और वेट। ड्राई प्रोसेस द रॉ मटेरियल लाइम स्टोन एंड क्ले 3:1 आर क्रश ड्राइड ग्राउंड मिक्स इन प्रॉपर प्रोपेगेशन एंड फीड इन द टॉप ऑफ द रोटरी किलन। ड्राई प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 3:1 में हम रॉ मटेरियल लाइम स्टोन को लेते हैं और उनको ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको हम रोटरी किलन के सबसे टॉप पार्ट के ऊपर में डाल देते हैं। अगर इसी में हम पानी मिला देते हैं तो ये वेट प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम स्लैरी कहेंगे। द रॉ मटेरियल इन प्रॉपर प्रोपेगेशन आर ग्राउंड विद वाटर एंड स्लैरी इज फीड द टॉप ऑफ द रोटरी किलन। नेक्स्ट आता है बर्निंग। द रोटरी किलन इज यूज फॉर बर्निंग प्रोसेस इन सीमेंट। तो इस सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द रोटरी किलन इज शो 4.1। रोटरी किलन, द रोटरी किलन इज ए लॉन्ग ओरिजेंटल स्टील सिलेंडर द लेंथ विद लेंथ 30 to 120 meters एंड डायमीटर 2 to 4 meters। इन साइड सरफेस लाइन द रिफैक्ट्री ब्रेक्स। इट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन पोजिशन 5 to 6 degrees अबाउट द लॉन्जिट्यूडल एक्सिस। इट इज द फिक्स ऑन रोलर विच कैन बी रोटेड विद स्पीड ऑन रिवोल्यूशन पर मिनट। द स्लैरी और ड्राई मिक्स इज फीड ऑन द अपर एंड द किलन एंड ड्यू टू द स्लोप एंड स्लो रोटेशन द मटेरियल मूव इन टू द डिफरेंट जोन। दे आर फॉलोइंग 3 steps इन रोटरी किलन। बर्निंग प्रोसेस रोटरी किलन के अंदर होता है। रोटरी किलन एक स्टील की बनी हुई सिलेंडर नुमा एक सिलेंडर में हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है जो 30 से 120 मीटर लंबा होता है, 2 से 4 meters डायमीटर होता है, मोटाई होती है उसकी। उसके चारों तरफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगी होती है। उसको हम 5 से 6 degrees इंक्लाइंट तिरछा रखते हैं जो कि एक्सिस पे रखते हैं और उसमें रोलर लगा होता है। रोलर 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है और तिरछा रखने की वजह से जो हमारा स्लैरी है वो एक जोन से दूसरे जोन में इजीली पास हो जाता है। नेक्स्ट सीधा डायग्राम। डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर सबसे पहले स्लैरी, पास 3 जोन होते हैं डायग्राम के अंदर। देखिए आप, ड्राइंग जोन, कैल्सिनेशन जोन और क्लिंकर जोन। ड्राइंग जोन के अंदर हम क्या करेंगे, ड्राइंग जो जोन होगा सबसे पहले स्लेरी को हम डालेंगे। डालने के बाद फर्स्ट ड्राइंग जोन में जाएंगे। ड्राइंग जोन इज द अपर पार्ट ऑफ द रोटरी किलन होता है। हेयर द टेम्परेचर रेंज अराउंड 100 to 400 degrees होता है। वाटर इन स्लेरी गेट इवेपोरेटेड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम द स्लेरी मीन्स ऑफ द हॉट गैसेज। यानी 100 से 400 degrees के यहाँ पर टेम्परेचर होता है, फर्स्ट जोन होता है, अपर पार्ट ऑफ द रोटरी किलन होता है। यहाँ पे आपके पानी वेपर्स बन के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सेकंड जोन होता है कैल्सिनेशन जोन होता है। कैल्सिनेशन मिडिल पार्ट ऑफ द रोटरी किलन होता है। टेम्परेचर रेंज अबाउट 700 से 1000 degrees centigrade होता है। यहाँ पे लाइम स्टोन ब्रेक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और CO+ CO2 के अंदर। नेक्स्ट जोन होता है क्लिंकर जोन होता है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द रोटरी किलन होता है। टेम्परेचर रेंज 1250 to 1500 degrees centigrade होता है। इन दिस जोन क्ले लाइम रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट। फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म ग्रेस कलर स्मॉल स्टोन कॉल्ड क्लिंकर। यानी कि क्लिंकर जोन के अंदर आपका लाइम, आपका एल्यूमिना, आपके अंदर सिलिकेट सारे मिक्स होके एक ग्रीनिश कलर का एक रेड हॉट पिंड बना रहता है, उसको हम क्लिंकर कहते हैं। डायग्राम के तीनों जोन होते हैं। उसके बाद फ्यूल पाउडर दिया जाता है, उसके बाद कूलर लगा होता है, एक एयर ब्लास्ट होता है जो कि गर्म हवा को वापस खींचता है। नीचे आपके पास एक बाल मिल लगी होती है, उसमें उसको पीसा जाता है, वहीं पे 2 से 4% जिप्सम ऐड किया जाता है और फाइन पाउडर को बाहर निकाल के और पैकिंग कर दी जाती है पैकिंग मशीन। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आप रिएक्शन वाली। रिएक्शन के अंदर देखिए क्या होता है। डाइकैल्शियम सिलिकेट जब सिलिका से रिएक्शन करता है तो डाइकैल्शियम सिलिकेट बनाता है। इसी तरह ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जब सिलिका से रिएक्शन करता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट बनाता है। जब ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट जब रिएक्शन करता है तो ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट बनता है। और टेराकैल्शियम एल्युमिनेट फेरेट जब रिएक्शन करता है टेराकैल्शियम एल्युमिनेट फेरेट बनता है। तो हम इसको C2S, C3S और C4AF से भी एब्रिवल करते हैं। नेक्स्ट आता है कूलिंग और हॉट क्लिंकर। यानी जब हॉट क्लिंकर बनता है उसको डायरेक्ट कूलर के अंदर ले जाते हैं। तो द कूलिंग एंड द हॉट क्लिंकर, द क्लिंकर फॉल आउट फ्रॉम द लोअर एंड द इनटू द कूलर वेयर दे आर कूल एंड एयर विच पासेस ओवर देम। उसके बाद ग्राइंडिंग होती है। द कूल्ड क्लिंकर आर ग्राउंडेड इन द फाइन पाउडर इन बाल मिल एंड 2 से 3% जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग। जिप्सम इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग पीरियड ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पैकिंग, द फाइनली पाउडर सीमेंट मटेरियल व्हेन द फीड इन द ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन एंड व्हेन पैक द बैग्स। नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपका कैलकेरियस मटेरियल, अर्जेलियस मटेरियल, जहाँ एक से मिलेगा लाइमस्टोन, दूसरे से मिलेगा क्ले एंड सेल।
ग्राउंडिंग किया बाल मिल के अंदर, ड्राई प्रोसेस में पाउडर बनेगा, वेट प्रोसेस में पानी मिलाया स्लरी बनेगा। सबको स्लरी कहाँ ले गए हम, रोटरी किलन। रोटरी किलन में क्या बनाया, क्लिंकर। क्लिंकर में क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ग्राइंडिंग मिल में गया, ग्राइंडिंग मिल में क्या किया, पीसा और में जिप्सम मिलाया, सीमेंट बनी, पैकिंग और सप्लाई टू मार्केट। ठीक है, ये बच्चा इसका फ्लो डायग्राम हो गया। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की, तो देखिए ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट और टेराकैल्शियम एल्युमिनेट, चार तरह के कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं। इसमें 48% होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, 27% होता है डाइकैल्शियम सिलिकेट, 10% होता है ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट और 8% होता है टेराकैल्शियम एल्युमिनेट फेरेट। अगर इनको सेटिंग टाइम का बात करें तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है सेट, जबकि डाइकैल्शियम सिलिकेट 28 डेज में होता है, ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट 1 दिन में हो जाता है और टेराकैल्शियम एल्युमिनेट 1 डेज में हो जाता है। अभी बच्चे आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।